हे फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज श्वेता। और कैसे आप सब, उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ एक मेकअप लुक शेयर करना चाहती हूँ। यू नो दिस शिमरी आईज विद पर्पलिश पिंक लिप्स। सो गाइस, ये मेकअप लुक जो है वो मैंने स्पेशली नवरात्रि के लिए, दुर्गा पूजा के लिए क्रिएट करा है। करवा चौथ है, दिवाली है। सो आप लोग किसी भी फेस्टिव सीजन में आप लोग इस मेकअप लुक को ट्राई कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो और इस लुक के साथ रॉक कर सकते हो। सो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज गाइस, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और सब्सक्राइब बटन के बाद जो छोटी सी घंटी है उसको जरूर हिट कर दीजिएगा। आगे आने वाले टाइम में मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोग उससे नोटिफाई हो जाओ और मेरी वीडियो फटाफट देख सको। लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे और मेरे फेसबुक पेज पे जरूर फॉलो करिएगा फॉर मोर अपडेट्स। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। हम सबसे पहले अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम टोनर का यूज़ कर रहा है, B3+ हर्बल्स का नीम एंड एलो स्किन टोनर फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन। आप लोग टोनर को ज़रूर अप्लाई करा करिए, इससे जो आपका पीएच लेवल होता है वो बैलेंस रहता है, मेंटेन रहता है और जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है वो भी धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होती है। नेक्स्ट मैंने सिरम का यूज़ करा था, मामा अर्थ टी ट्री फेस सिरम विथ टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड फॉर एक्ने एंड पिम्पल्स, पैराबिन फ्री सिलिकन फ्री डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड फॉर एक्ने एंड पिम्पल्स स्किन। तो आप लोग सिरम को भी ज़रूर यूज़ करा करिए। उसके बाद मैंने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए बेबी लिप्स को यूज़ करा है। देन मैंने लोटस की एंटी एजिंग क्रीम को यूज़ करके अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया था। और ये जो क्रीम है ये यू नो बहुत अच्छी क्रीम है, आपके स्किन को इवन आउट भी करती है। देन मैंने प्राइमर को यूज़ करा था, कलर बार का प्राइमर ले रही हूँ मैं, फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर। और ये भी पैराबिन फ्री क्रुएल्टी फ्री डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, लाइट वेट है, लॉन्ग लास्टिंग, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करता है। पोर्स की जो प्रॉब्लम होती है पोर्स को है ना वो ब्लर आउट कर देता है। देन मैंने फाउंडेशन के लिए यूज़ करा था लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन। इसमें हमारा SPF 8 है और इसमें मेरा शेड जो है वो है 02। डॉट डॉट करके मैंने अपने बैक ऑफ द हैंड्स पे लेके उसको हल्का सा वार्म करा था, देन डॉट डॉट करके मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। और उसके बाद वेट यू नो डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से मैं अपने स्किन में जो फाउंडेशन है उसको पुश करूँगी। ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा फाउंडेशन है, इसकी कवरेज जो है वो शेयर टू मीडियम कवरेज है, आप लोग इसको बिल्ड भी कर सकते हो। तो मैंने अच्छे से अपने फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ, आप लोग देखिए इसकी मतलब बिल्डेबल कवरेज होती है इसकी और ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा फाउंडेशन है। सो मैं अच्छे से अपने फेस पे फाउंडेशन को अप्लाई कर लेती हूँ। आप लोग चाहे तो ब्रश को भी यूज़ कर सकते हैं बट स्पंज जो है वो बेस्ट होता है। देन मैंने कंसीलर के लिए यूज़ करा था मालियो का कंसीलर, आई एम द शेड 02 नेचुरल न्यूड। तो मैं अपने इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे, आईलेट्स पे, अपने फेस के हाईएस्ट फीचर्स पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो, चिन, थोड़ा सा मैं अपने यू नो चीक बोन के नीचे ताकि जो हमारा जो चीक बोन का पार्ट है वो थोड़ा सा हाईलाइटेड हो, और फॉरहेड पे थोड़े से जो मार्क्स है मेरे फेस पे हल्के हल्के से उस पर मैं कंसीलर को इवनली अप्लाई कर लूँगी और पैक के मिनी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। और इसको भी मैंने वेट करके स्क्वीज करके डैम कर लिया था। तो आप लोग जितने अच्छे से यू नो ब्लेंडर को यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा आपका जो बेस है वो फ्लॉलेस बेस आपके स्किन को प्रोवाइड करेगा। तो मैं अच्छे से अपने कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग कोशिश करिए गाइस कि आप लोग है ना अपलिफ्ट डायरेक्शन में यूज़ करिए जिससे आपको जो फेस है वो लिफ्टेड लगे। सो अब हम अपने फेस को सेट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यूज़ करा था इन कलर कॉस्मेटिक्स का ब्राइटनिंग लाइट इल्यूजन लूज पाउडर और इसमें मेरा शेड है वो नेचुरल 05। सो जहाँ जहाँ हमने कंसीलर को अप्लाई करा है वहाँ वहाँ हम लूज़ पाउडर को अप्लाई करेंगे ताकि जो कंसीलर वो क्रीज ना करे और आपका जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, फ्लॉलेस हो, स्वेट प्रूफ हो। तो अच्छे से आप लोग कंसीलर के बाद लूज़ पाउडर को चाहे वो कॉम्पैक्ट पाउडर हो और या चाहे लूज़ पाउडर हो उसको ज़रूर अप्लाई करें करें। जो एक्सेस है उसको मैंने ब्रश की हेल्प से डस्ट ऑफ कर दिया था। तो अब हम अपने आई मेकअप की तरफ चलते हैं। तो मैंने जो आई शेडो के लिए यूज़ करा था वो है MTK की 88 कलर आर्टिस्ट्री पैलेट आई शेडो। इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल न्यूड, पिंक, मोव, ब्राउन सारे शेड्स हैं। तो सबसे पहले जो मैंने कलर लिया था वो था लाइट कॉफ़ी ब्राउन शेड, उसको मैंने अच्छे से अपने क्रीज पे यू नो अपने आईज़ को डिफाइन करने के लिए क्रीज पे अप्लाई करा था, इनवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में अच्छे से मैं अप्लाई कर रही हूँ। देन मैंने लाइट पिंक शेड लेके थोड़ा सा वो यू नो उसमें ब्राउन का टिंच है उसको अप्लाई कर रही हूँ उसी के थोड़ा सा नीचे जो मैंने कॉफ़ी ब्राउन शेड यूज़ करा था।
देन अब मैं अपनी कलर्स क्वीन की स्मोकी पैलेट 32 कलर आई शेडो प्रोफेशनल में से मोविश कलर लेकर अपने आउटर वी पे प्लेस करते हुए उसको इनवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में प्लेस कर रही हूँ, और ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करिए जिससे आपका जो आई मेकअप है वो बहुत अच्छा हो, यू नो कोई भी हार्श एजेस आपके आई मेकअप में दिखना नहीं चाहिए। देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा और डार्क पर्पलिश मूव कलर लेके अपने आउटर वी पे सेट करते हुए उसको भी इनवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में सेट कर रही हूँ। देन सेम उसी पैलेट में से मैंने लाइट पिंकिश कलर लेकर थोड़ा सा ओम्ब्रे इफेक्ट देने की कोशिश कर रही थी मैं, ताकि डार्क टू लाइट हमारे आईज पे इफेक्ट आए आई शेडो का। और थोड़ा सा उसी कलर को लेके मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी हल्का सा स्मज करूँगी ताकि थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट भी लगे। देन उसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से कंसीलर लेकर उस ब्रश में और अपने आईलिड्स पे मैं उसको हल्का सा प्लेस करूँगी, बिकॉज मैं शिमर आई शेडो यूज़ करने वाली हूँ तो यू नो अच्छे से उस पर अप्लाई हो जाए, जो मेन कलर है उसका वो हमारे आईज पे दिखे, इसलिए हम कंसीलर को अच्छे से अप्लाई करते हैं। और बहुत ही पतली लेयर लगाइएगा गाइस ताकि आपका जो आई मेकअप है वो स्पॉइल ना हो, और धीरे धीरे करके उसको हल्का सा पैट करिएगा। और मैंने उसके बाद स्विस ब्यूटी की आई शेडो किट ली थी, मेरा उसमें जो शेड है वो है 07, उसमें से मैंने ब्लैक शिमर शेड लेकर और अपने कंसीलर पर अप्लाई कर लिया था और बहुत अच्छे से सेट कर रहा था मैंने, फिंगर की हेल्प से ही मैंने इसको अप्लाई करा था। आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से भी उसको अप्लाई कर सकते हो, बट फिंगर से बहुत अच्छे से एप्लीकेशन होता है तो मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद हमारा जो आई मेकअप का जो एकदम स्टार है वो है स्विस ब्यूटी की लिक्विड आई शेडो, ये मेटालिक शेड में है, इसका शेड जो है वो 05 और ये बहुत ही रोज़ गोल्ड टाइप का कलर है और तक बहुत सुंदर लग रहा था मेरे को अपना आई मेकअप, तो इसकी एप्लीकेशन मैं अच्छे से कर लेती हूँ। ये थोड़ा सा ड्राई होने में टाइम लेता है गाइस, आप लोग केयरफुली इसको अप्लाई करिएगा लिड के ऊपर, यू नो जहाँ तक आपका क्रीज है आप लोग चाहे तो उससे नीचे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा भी अगर आपके ऊपर लग गया तो आपका पूरा मेकअप जो है वो स्पॉइल हो जाएगा, तो बी केयरफुल और अच्छे से अप्लाई करिएगा, अपने आईज को नीचे ही देखते हुए अप्लाई करिएगा, इसको ऊपर रखिएगा तो ये थोड़ा सा ड्राई होने में टाइम लेता है ये हल्का सा। तो अब हम अपने आईलाइनर की तरफ चलते हैं। आईलाइनर के लिए मैंने यूज़ करा था मेबलिन का द कोलोसल स्केच आईलाइनर, और इसकी मैंने बिल्कुल ही पतली सी थिन लाइन मैंने ड्रॉ करी थी आईलाइनर में, ज़्यादा विंग नहीं निकाला था क्योंकि मेरे को अपना मेन फोकस जो था वो मेरे को ग्लिटर आईज पे रखना था, तो दैट्स वाई मैंने पतली सी थिन लेयर मैंने थिन लाइन ड्रॉ करी है आईलाइनर की, और बिल्कुल लैश लाइन के क्लोज ही मैं रह रही हूँ। और हल्का सा मैंने सेम वही शेड लिया था पिंकिश कलर और उसको मैंने हल्का सा ब्लेंड करा है अपने लोअर लैश लाइन पे, हल्का सा स्मज कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट आए। तो अब हम अपने काजल की तरफ चलते हैं। काजल के लिए मैंने यूज़ करा था द मेबलिन का द कोलोसल काजल, और इसकी मैंने अच्छी थिक लाइन यूज़ करी है अपने वाटर लाइन पे और अपर वाटर लाइन पे भी मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, यू नो दुर्गा पूजा में मेन फोकस जो वो काजल पे ही होता है। और उसके बाद मैंने अपने लैशेज को कर्ल कर लिया था। देन मस्कारा के लिए मैंने यूज़ करा था द मेबलिन का द हाइपर कर्ल मस्कारा वाटरप्रूफ, और गाइज ये बहुत अच्छा मस्कारा है, आप इसकी 2-3 कोट्स आराम से अप्लाई करिए, बिल्कुल भी क्लम्जी नहीं होता और वाटरप्रूफ भी है और आपके लैशेज को बहुत अच्छे से कर्ल करता है, मतलब फॉल्सेस का इफेक्ट देता है गाइज ये आप लोगों के आईज को, बिल्कुल ही फ्लटरी फ्लटरी सही लगती है देखिए। तो मैंने अच्छे से इसकी 2-3 कोट्स अप्लाई कर ली थी। तो अब मैं अपने लोअर लैशेस पे भी मस्कारा सेम मस्कारा इसी तरीके से यूज़ कर रही हूँ, देखिए गाइज मैं किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ, और इससे जो आपकी लोअर लैशेज जो हैं सॉरी वो भी बहुत अच्छे से कर्ल हो जाती है और आपका जो मस्कारा का जो यू नो लोअर लैश लाइन पे भी। सो मेरा आई मेकअप जो है वो डन हो गया है गाइज, आप लोग देखिए और बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों का मेकअप कैसा लगा आई मेकअप। सो अब हम अपने आईब्रोज़ की तरफ चलते हैं। तो मैंने कलर बार की ब्राउफुल एंड डिफाइनिंग किट ली थी, शेपिंग एंड डिफाइनिंग किट, और गाइज ये बहुत अच्छी आईब्रो किट है, थोड़ी सी प्राइसी है बट वर्थ है गाइज इसका। और इसको सबसे पहले मैंने स्पूली की हेल्प से अपने ब्राउज को सेट करा था, देन प्रोडक्ट ब्रश में लेकर उसको हल्के हल्के पहले लोअर लैश लाइन से लेकर
लोअर लाइन को मैंने फिल करते हुए फिर अपर लाइन पर जाते हुए उसको हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ और अपने स्पार्स एरिया को फिल कर रही हूँ। देन वापस मैं स्पूली की हेल्प से अपने आईब्रोज़ को कोम कर लूँगी ताकि कोई भी एक्सेस प्रोडक्ट जो हो वो हमारे आईब्रोज़ में फिल हो जाए बहुत अच्छे से। कभी कभी होता है ना, जो हमारा ब्राउ प्रोडक्ट होता है वो हमारे थोड़ा सा ऊपर रख जाता है, तो आप लोग जो आपने कॉम्पैक्ट पाउडर में जो फाउंडेशन में अप्लाई करा था उसी स्पंज की हेल्प से अपने ब्राउज को फिल कर लेंगे, उसी के ऊपर डैबिंग मोशन में फिल कर लेंगे, तो आपको जो प्रोडक्ट है वो हट भी जाएगा। अब हम अपने फेस मेकअप की तरफ चलते हैं। तो मैंने स्विस ब्यूटी की अल्ट्रा ब्लश पैलेट को यूज़ करा था और उसमें से हल्का जो ब्राउन शेड है उससे अपने फेस की ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ मैं, और इससे जो आपका फेस है वो थोड़ा सा स्कल्प्टेड लगता है, अच्छा लगता है, आपके फेस को थोड़ी सी डेफिनेशन मिल जाती है। तो उसी की हेल्प से मैं अपने फेस को ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ, नोज़ कॉन्चरिंग भी करूँगी, थोड़ा सा फोरहेड की भी करूँगी। देखिए कितना हल्का सा ही करा और कितना फ़र्क लग रहा है, हल्का से डेफिनेशन आपके स्किन फेस को मिल जाता है। थोड़ी सी नोज़ की कॉन्चरिंग करी है मैंने, देन उसी पैलेट में से मैं ब्लश अपने चारों शेड्स को आपस में मिक्स करके मैं अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे ब्लश अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा लिफ्टेड स्माइल करके नहीं, इस हैक से आपका जो फेस है वो लिफ्टेड लगता है और ब्लश भी बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। थोड़ा सा नोज़ पे अप्लाई कर लेते हैं और अपने अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते, जो हमारा फेस है हाइलाइटर का पार्ट। और उसके लिए मैंने यूज़ किया था मेबलिन न्यूयॉर्क का मास्टर क्रोम हाइलाइटर बाय फेस स्टूडियो, और इसमें मेरा शेड जो है वो है मोल्टन गोल्ड। और इसकी जो फिनिशिंग है गाइज़ बहुत ही सटल है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये गाइज़, बहुत ही नेचुरल फिनिश आपके स्किन को देता है। तो मैंने अपने फेस के सारे हाईएस्ट फीचर्स पे अप्लाई करे, चीक बोन्स, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो, चिन और फोरहेड, थोड़ा सा आईब्रोज के ऊपर भी मैं इसको अप्लाई करूँगी, और थोड़ा सा हाइलाइटर मैं ब्राउ बोन पे अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी जिससे जो हमारे आईज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। सो थोड़ा सा हाइलाइटर मैं अपने इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई करूँगी छोटे से ब्रश की हेल्प से। सो अब हमारे मेकअप का लास्ट स्टेप है, उसके लिए मैंने यूज़ करा था निक्स का मेकअप सेटिंग स्प्रे, तो उसको मैंने अपनी फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, स्प्रे कर लिया है। और ये जो प्रोडक्ट है गाइज़, ये ट्रस्ट में ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, आपके मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्टिंग कर देता है, ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। सो मैंने लिपस्टिक के लिए मैंने अप्लाई करी थी हाफ एंड हाफ की लिपस्टिक, और इसमें जो मेरा शेड है वो है हाफ एंड हाफ की 24 आवर्स सुपर स्टिल लिप क्रियॉन लॉन्ग लास्टिंग वेलवेटी सॉफ्ट, और इसमें जो मेरा शेड है वो 10 रानी 10 नंबर है ये। और ये मेरा गाइस, ये मेरा मेकअप डन हो गया है। सो मैंने ज्वेलरी अप्लाई कर ली थी, ज्वेलरी पहन ली थी, झुमकेस मैंने वेयर करी है, और मैंने जूड़ा बनाया है, लो बन बनाया है, ब्लैक बिंदी अप्लाई करी है। तो आप लोग मेरे को बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों का मेकअप कैसा लगा प्लीज़। और सो मैंने ज्वेलरी पहनी है, जंग ज्वेलरीज पहनी है, तो मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिलीज को हैप्पी नवरात्रि, दशहरा। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ गाइस, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। और सब्सक्राइब बटन के पास जो छोटी सी घंटी है ना, उसको जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों से नोटिफाई हो जाओ, मेरी वीडियो फटाफट देख सको। और आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे और मेरे फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करिएगा फॉर मोर अपडेट्स। सो से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना खूब ध्यान रखिए, खूब अच्छा खाइए और मास्क जरूर पहनिए। बाय गाइस, आई लव यू एंड टेक केयर, बाय।